सो गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास लेट्स कंटिन्यू विथ पार्ट सिक्स ऑफ चैप्टर टू लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से पावर को शेयर किया गया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जिसको हमने वेरियस लिस्ट के थ्रू पढ़ा था जैसे कि यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडरी लिस्ट उन लिस्ट को देख के ये हम एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो स्मॉल यूनिट्स हैं जिसको होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के थ्रू डिवाइड किया गया है यहाँ पर क्या है उनको इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड कर दी गई है बस बसम इंडिपेंडेंस अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ स्टेट्स इन इंडिया आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप बताओगे कि देयर आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स आर क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द वैरियस लिस्ट लाइक यूनियन स्टेट एंड कॉन्ट एंड लिस्ट ऑल्सो इट Uh, and you, uh, there is a clear that okay, if the functions, if the uh, works, and if the powers are distributed clearly, so no one can intervene in the function, in the activity of each other. Got it? And this thing proved that okay, the states and central government are also independent from, independent from each other. Got it? So let's talk about the uh, some. मोर एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑन द होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन क्या ये जो इंडिपेंडेंसी है इसका मतलब क्या ये है कि पावर को किसी को ज्यादा किसी को कम मिला हुआ है या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सारे स्टेट्स में हम इसी बात टौपिक, इसी टौपिक पर इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि होल्डिंग टुगेदर जो फेडरलिज्म है उसमें इंडिपेंडेंसी तो प्रोवाइड कर दी गई फंक्शंस को क्लियरली मेंशन करके उनके वर्क्स को क्लियरली लिस्ट डाउन करके थ्रू द वैरियस लिस्ट लेकिन क्या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या पावर्स आइडेंटिकल हैं टू द ऑल स्टेट्स दैट आर एग्जिस्ट इन द कंट्री या आइडेंटिकल है आइडेंटिकल है, है या या डिफरेंट है बाश्मी या कोई सम स्टेट्स जो हैं वो स्पेशल पावर को इन्जॉय uh, करती हैं कुछ जो है लिटिल पावर्स को इन्जॉय करती हैं कुछ जो है आइडेंटिकल्स पावर्स को इन्जॉय करती हैं बिल्कुल ऐसा ही है हमारे किसी भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन फेडरलिज्म को देखो आप तो वहां पर क्या होता कि है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मोर पावरफुल बनाया गया देन स्मॉल यूनिट्स यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और विलेज गवर्नमेंट तो इसी पॉइंट पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं चलिए लेट्स स्टार्ट एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑन द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इफ यू लुक एट द वर्ल्ड अगर हम पूरी वर्ल्ड को देखें तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने क्या अडॉप्ट किया है होल्डिंग टूगेदर फेडरलिज्म मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने बसमी आ रही है इसका मतलब कि बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स मिलकर के बिग यूनिट्स नहीं फॉर्म किया होल्डिंग टुगेदर मतलब क्या होता है कि बिग यूनिट किस में कन्वर्ट हो गई है स्मॉल यूनिट्स में बासमी आ रही है और ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं हमें डिस्कशन क्या करना है कि क्या ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं क्या सबको इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट है क्या पावर आइडेंटिकल है या डिफरेंट है बस मिल आगे देखते हैं बट वी ऑल्सो नोटेड दैट होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन डू नॉट गिव इक्वल पावर ऑब्वियसली ये भी यहां पर तो मैंने क्लियर लिख दिया कि भाई डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट यूनिट्स कॉन्स्टिचुएंट यूनिट मतलब क्या होता है यही जो स्टेट्स हैं या विलेज लेवल के गवर्नमेंट होंगे बस मियाे ये तो क्लियर हो गया कि भाई पावर इक्वल नहीं है गट इट लेकिन कैसे नहीं है जैसी

कुछ स्टेट्स हमारे कंट्री में ऐसे हैं जो स्पेशल स्टेटस को इंजॉय करते हैं सेकेंड नंबर पर है कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो वेरी लीगल पावर्स इंजॉय करते हैं और जो बचे स्टेट्स वो इक्वल आइडेंटिकल्स होती हैं ठीक है ना नेक्स्ट अब देखना कैसे स्पेशल स्टेटस जो होती हैं जो है जिनके पास है वो कैसे इन्जॉय कर रही हैं देखना आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है आर्टिकल 370 नंबर नंबर ऑफ लॉ है ये ठीक है तो कौन सा नंबर ऑफ लॉ है आर्टिकल थ्री सेवेंटी इट गेव द स्पेशल पावर टू जम्मू एंड कश्मीर थ्री सेवेंटी आर्टिकल ने इट मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर दे दिया था जैसे कैसा स्पेशल पावर कि जम्मू कश्मीर के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा यानी कि जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं किया जा सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट असेंबली बस समारी आउटसाइडर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आउटसाइडर्स मतलब क्या इंडिया से बाहर नहीं जम्मू एंड कश्मीर से बाहर वो लोग जमीन नहीं खरीद सकते कैन नॉट बाई लैंड और हाउस घर नहीं खरीद सकते बस बासमारी ध्यान रखना ये जो आर्टिकल है ये इंडिपेंडेंसी से लेकर का अभी तक था इट वाज क्यों क्योंकि अभी रिसेंटली बट रिसेंटली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अभी इसी 2020 में ही नरेंद्र नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया यानी कि हटा दिया और पूरे जम्मू एंड कश्मीर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्या एक तो आपका एक स्टेट बना दिया जम्मू और टू यूनियन टेरिटरी बना दिया इसको क्या बोला गया लद्दाख और ले।, ले ले हो गया और लद्दाख हो गया और आपका जम्मू जम्मू हो गया बस मुझे आ रही है तो चलिए ये तो रहा आर्टिकल 370 जो कि अब रिमूव कर दिया गया अब आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैसे स्पेशल पावर इंजॉय करते हैं हमारी स्टेट्स में लेकिन इसके अलावा और भी आर्टिकल्स हैं जो 370 ए से लेकर के 371 सेवेंटी वन जे तक है थ्री ए से लेकर के थ्री जे यानी कि ए बी सी डी ई e, एफ जी एच आई जे यानी कि टेन आर्टिकल्स अराउंड और भी हैं जो सम स्टेट्स को स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करती हैं जैसे कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं महाराष्ट्र एंड गुजरात आंध्र प्रदेश कर्नाटक गोवा एंड सेवन सिस्टर्स ऑफ सेवन सिस्टर्स में से सिक्स ऐसे स्टेट्स हैं जो स्पेशल पावर को इंजॉय करते हैं जैसे कि नागालैंड आसाम, मिजोरम वगैरह है बसमी आ रही है तो ये तो रही बात स्पेशल स्टेटस ये स्टेट्स ऐसे हैं जो स्पेशल स्टेटस को इंजॉय करते हैं इनको स्पेशल पावर मिला हुआ है जो अदर स्टेट्स से इनको क्या करती हैं डिफरेंट बनाती हैं बस रही है अब हम दूसरा पढ़ेंगे सम स्टेट्स इंजॉय वेरी लिटिल पावर अब देखना सम यूनिट्स ऑफ इंडिया इंजॉय वेरी लिटिल पावर कैसे अब देखना ऐसा ऐसा क्यों है तो जो ये, ये जहाँ पर लिटिल पावर्स है ना वहां पे क्या वहाँ पे ऐसा क्यों है क्योंकि ये एरियाज जो है ना बहुत छोटे हैं क्या करने के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए जैसे कि आपका बिहार है झारखंड है उत्तराखंड है यूपी है ये कितने बड़े बड़े स्टेट्स हैं लेकिन ये इतने छोटे हैं कि इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना गवर्नमेंट को सही नहीं लगा तो उसने क्या किया विच कुड नॉट बी मर्ज और दूसरे स्टेट के साथ मिलाया भी नहीं जा सकता क्योंकि हो सकता है उनकी लैंग्वेज अलग हो उनका कल्चर अलग हो इसलिए उनको मर्ज नहीं किया जा सका जैसे वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जैसे कि चंडीगढ़ है लक्षद्वीप है दिल्ली है और बाकी आपके अदर यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि दमन एंड दीव वगैरह ठीक है अब जिस अंडमान निकोबार है एंड एक्सेट्रा दिस जो एरियाज ऐस अब ये जो एरियाज हैं जो आपको टोटल सेवन यूनियन टेरिटरीज हैं ना सेवन टू टोटल नाइन हो गए ये सारे नाइन यूनियन टेरिटरीज जो है जिसमें लेह लद्दाख इंक्लूड हुआ है ये सारे यूनियन टेरिटरीज जो है रन किसे कौन करता है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट करती है यानी कंट्रोल बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए तो इनको यूनियन टेरिटरी कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन बोलते हैं और इस पर ये, ये एरिया को टेरिटरी बोलते हैं इस टेरिटरी पर यूनियन गवर्नमेंट रूल करते हैं इसलिए ऐसे टेरिटरी को क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट वट मीन बाय यूनियन टेरिटरीज बासमारी तो इस तरीके से हम पावर को देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में पावर्स क्या कर दी गई हैं आइडेंटिकल शेयर नहीं की गई हैं यूनिफॉर्मली शेयर नहीं की गई हैं डिफरेंट स्टेट्स को उनके कल्चर उनके डेवलपमेंट के को देख करके पावर को क्या कर दिया गया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और सही भी है कि अगर कोई वीक है और अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता तो उनको स्पेशल पावर दो जैसे कि हमारा रिजर्वेशन है मैं आप लोग को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि रिजर्वेशन एक सोशल जस्टिस है क्यों ताकि जो लोग बहुत ही डिप्राइव्ड हैं जो लोग अपने आप को डेवलप करने में अनेबल हैं तो उनको स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है ताकि वो अपने आप अपना डेवलपमेंट कर सके गॉट इट ये दिस इज डिबेटेबल टॉपिक बट वी कैन नॉट मेक डिबेट ऑन इट आप बस इतना समझो कि स्पेशल पावर उनको दिया जाता है जो uh, अनेबल हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए गॉट इट तो ये जो पावर का शेयरिंग बिटवीन द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या नाम दिया गया है कि ये बेसिक टू द स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फीचर है बेसिक स्ट्रक्चर का और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर किसी किसी भी रूल को किसी भी लॉ को अगर बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू डिफाइन किया गया तो इसका मतलब उसमें चेंजेज करना इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते बट बहुत टफ है बास आ रही है ना तो देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तो बेसिक स्ट्रक्चर इज अ थ्योरी बेसिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड में बेसिक स्ट्रक्चर तो बेसिक स्ट्रक्चर इज अ थ्योरी जिसको किसने किए बनाया है जुडिशियरी ने जिसमें क्या कहा गया है इन विस्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सर्ट बेसिक फीचर्स ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा कि जो पावर शेयर किया गया सेंट्रल स्टेट के बीच में ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो ये बेसिक फीचर बन गया ठीक है तो इंडिया हैज सर्ट बेसिक फीचर दैट कैन नॉट बी एमेंड और डिस्ट्रॉयड बाई द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट चाह के भी उसको उसमें चेंज या उसको खत्म नहीं कर सकते है. ऐसे लॉज को हम बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू रखते हैं अगर वो चेंज करना ही चाहती है ओवरऑल इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डेमोक्रेसी means what रूल ऑफ पीपल रूल by द पीपल रूल फॉर द पीपल गट इट तो रूल तो पीपल का ही होगा ना जुडिशरी तो so, इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करके इसका मतलब जुडिशरी ने अपनी रूल स्टेब्लिश कर दी तो so, हमारी जुडिशरी इतनी भी पावरफुल नहीं है पावरफुल पीपल नहीं है तो so, अगर और पीपल का रिप्रेजेंटेटिव हाउस कौन है पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट चाह ही दे कि नहीं भाई चेंजेज करना ही है तो उसको क्या करना पड़ेगा इफ पार्लियामेंट वॉन्ट टू मेक चेंजेज इन द बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर में जो रूल्स आ रहे हैं उनमें चेंजेस कट इट अगर वो करना चाहते हैं तो उस लॉ को पास करना पड़ेगा यानी कि अमेंडमेंट बिल लाएंगे ना अमेंडमेंट बिल का मतलब क्या होता है ऐसा बिल जो किसी पर्टिकुलर लॉ में चेंजेस लाना हो उसका अमेंडमेंट अमेंडमेंट बिल कहते हैं तो अमेंडमेंट बिल को पास करना होगा किससे स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू बस आ रही है स्पेशल मेजोरिटी होगी तो बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू जो रूल्स हैं उनमें चेंजेज हो सकती हैं अदरवाइज चेंजेज नहीं होंगी तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी किसी भी लॉ को पास करने के टू वेज हैं एक तो होता है ऑर्डिनरी मेजोरिटी दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी जिसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे आज के डिस्कशन में हमारा यही रहा कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है भाई बेसिक स्ट्रक्चर इसको जुडिशरी ने बनाया है और ये टाइम टू टाइम चेंजेज होती हैं इसमें कोश किसी ने पूछा कि भाई बेसिक फीचर क्या है तो बेसिक फीचर तो एक तो ये आ गया पावर शेयरिंग का तो भाई बेसिक फीचर हो गया इसमें चेंजेस करना हो तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करो फिर बोला गया और बेसिक फीचर क्या है तो कोर्ट ने कहा कि इट विल डिफाइन ये डिफाइन किया जाएगा जुडिशियरी के द्वारा कब कब टाइम टू टाइम यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई फिक्स फीचर्स नहीं है बल्कि जुडिशियरी बताती है कि कौन सा लॉ या कौन सा पावर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कम अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट गॉट इट सो थैंक्स फॉर द डे अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू एंड नमस्ते